बोलो अंकल क्या बोला? कुछ नहीं बोला। बोला कोई लेके गया साइकिल आदमी। आप ऐसे रखो साइकिल, ताला कहने मारते हो। ये देखो गजब का टॉय है, अगर ये डायरेक्ट गोल हो गया तो लाइट जलेगा। 1 2 3 ये पहले अटेम्प्ट में। ये स्वीटी को गिफ्ट मिला है, इसको गिफ्ट मिला है इसको। रुको एक बार और ट्राई करेंगे। ओ हो ट्राई नहीं कर पाया। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। करके देखो। अरे अरे गुच्छा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम एक बार में कर लिए। हम बॉल को फंसा भी दीजिए। ये मेरी छोटी बहनों की बाइसाइकिल है, चला चला के देखो क्या बुरा हाल किया है इसका, सब फाड़ फोड़ दिया है। और मेरे होम टाउन में भी चोरी बहुत हो रही है, तो अभी करेंगे अपन प्रैंक, इसके साइकिल को छुपाते गए थे। ये हमेशा देखो रोड पे ही छोड़ देती है और इसमें लॉक वॉक कुछ है नहीं, तो इसको करते हैं कहीं पे जुगाड़, छुपा देंगे, फिर उन लोगों का एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करेंगे। हो लोगों क्या लगता है, मैं बोलूँगा कि साइकिल चोरी हो गया? मुश्किल वाली बात है, तो ये साइकिल छुपाए तो छुपाए कहाँ, वो हर जगह वाला ढूंढ लेगी। फिर भी ट्राई करते हैं कहीं पे छुपाने का। ये लोकेशन मेरे को ठीक लग रहा है, इतने दूर तक शायद ढूंढ नहीं पाएगी ये लोग, तो अब देखते हैं जब उन लोग को याद आएगा साइकिल का तो उन लोग का एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करेंगे। हेलो गाइज, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। टुडे इज संडे और द गुड थिंग इज कि मम्मी आ चुकी है, तो अब मुझे घर का खाना मिलेगा। एंड अगर मैं ये पूरा सावन वेज खा लिया तो ये मेरे लाइफ का पहला सावन मंथ होगा जिसमें मैंने नॉन वेज नहीं खाया होगा। तो लेट्स सी, अब कुछ ही दिन बचे हैं, आई होप मैं ये कर पाऊँ। 20 बज रहे हैं, 9:40, मैं अभी सो के उठा। एंड देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और बहुत सारी मस्ती करेंगे। संडे है तो भाई साहब काम भी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। कल फेसबुक में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें सोन पापड़ी कैसे बनता है वो बताया जा रहा था, तो मेरे को बहुत मन था कि सोन पापड़ी खाने का, और रात भर मैं सोचता था होता घर में तो मजा आता। एंड देखो पापा मेरे लिए सोन पापड़ी ले आए, तो अब मजे आएंगे। वैसे रात को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे घर में सबको पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं, या आप लोगों में से कौन कौन रात को खाने के बाद कुछ मीठा खाते हो मुझे कमेंट में बताना। तो अभी इसको नाश्ता में इंजॉय करेंगे। मम्मी आ चुकी है, आते साथ घर का काम करवाना स्टार्ट, थोड़ा सा डेंटिंग बेंटिंग हो रहा है। मम्मी हाउ आर यू? Two hours later. क्या हुआ साइकिल, यहाँ क्या रखते हो तुम लेके गए थे? जानते ना साइकिल चोरी होता है। देखो साइकिल कहाँ है, बाहर में देखो, बाहर में उनका पुच्ची उच्ची लेके गया होगा। बाहर में देखो, बाहर में वहाँ धोबी होगी के पास देखो। कहाँ रखे हो तुम ही, रखे हो बच्चा का साइकिल हराओगे? ढूंढो ढूंढो, चप्पल क्या हुआ तुम्हारा? गया साइकिल तुम्हारा, आप ढूंढते रहो, नहीं धोते हो ना इसलिए तुम्हारा साइकिल चोरी हुआ है। ठीक है, चोरी क्या, ढूंढो कहीं, देखो कोई तेरा दोस्त कौन चलाता था साइकिल? तो ऐसे कहाँ रख दिए थे साइकिल? तो ऐसे रोड में रखोगे तो पूछो अंकल से, अंकल से पूछो, अंकल था ना काम कर रहा था। मम्मी को बोलो जल्दी जल्दी बोलो मम्मी को। बोलो अंकल क्या बोला? कुछ नहीं बोला। बोला कोई लेके गया साइकिल आदमी। आप ऐसे रखो साइकिल, ताला कहने मारते हो। साइकिल कहाँ मिल रहा नहीं है, बेचारी लोग का हालत खराब हो रहा है, लोगों को साइकिल नहीं मिल रहा है। अभी और थोड़ा देर परेशान करूंगा, ये लोग ऐसे साइकिल रखते हैं, ये लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे कहीं साइकिल है,
हमको मामूनी पैसा कही इधर उधर साइकिल लगती है। अरे हम मैंने देखो यहाँ नहीं है साइकिल, चलो वो साइकिल दूसरे का है, बस गया तेरा साइकिल, गया खत्म। साइकिल देखा तेरा, अच्छा हुआ यही साइकिल तेरा, यही होना चाहिए। रौनक भैया घर में देख लो, चलो आओ जहाँ देखना वहाँ देखो, अंदर वहां दिख रहा है तुमको पागल लड़की। देखो बड़ी मम्मी से पूछो साइकिल है इसका, अरे यार कहाँ रखे थे, यहाँ है कहीं पे, कहीं नहीं है यहाँ पे। अरे यार ये लोग बहुत जल्दी लोगो साइकिल मिल गया। अब ऐसे एक मिनट रुको, अब एक मिनट रुको, अब ऐसे रखोगे साइकिल, अभी अभी लगा था ना चोरी हो गया, अब ऐसे साइकिल रखोगे, नहीं रखोगे फिर चोरी कर देंगे। बच गया, बड़ी बड़ी मम्मी बांडा फोड़ दिया। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, नहीं बोले ना आप, साइकिल बेच देंगे जाके। बच गए तुम लोग, बहुत जल्दी तुम लोग को साइकिल मिल गया। ये लो बच गया, बड़ी मम्मी ने भांडा फोड़ दिया वरना आज रोता है लो। हे भगवान, स्वीटी सच बोलो, इधर रुको रुको, सच बोलो, डर लगा था कि नहीं, डर लगा था कि नहीं, डर गया तेरा, गया साइकिल। बड़ी मम्मी बोल दी। आप साइकिल लगाओ पूरा घर के अंदर का। 12 बज चुके हैं और संडे को मैं इतनी लेट ही हो जाता है, अभी नहा धोकर रेडी हूँ और अब मैं अपना नाश्ता करूंगा, उसके बाद मुझे अपनी बहन को जिसके साथ मैंने प्रैंक किया है उसे कुछ गिफ्ट देना होगा, बेचारी बहुत डर गई थी, तो उसका बर्थडे भी था लास्ट कुछ दिनों पहले, तो उसे मैंने गिफ्ट भी नहीं दिया, तो उसे मैं चॉकलेट खरीद के दूंगा तब वो थोड़ी खुश हो जाएगी। तो मेरे आज का नाश्ता है ये घुमनी और पराठा, मेरी मम्मी ये घुमनी बहुत अच्छा बनाती है। अभी चलते हैं अपने बहन के लिए चॉकलेट्स लेने के लिए, यहाँ पे मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं है तो मुझे आसपास के दुकान में ढूंढना होगा जो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये देखो, अभी तक सुधरे नहीं है, फिर से यहाँ पे पार्क किया, फिर से लगता है इसे साइकिल गायब करना पड़ेगा। अभी चलते हैं उसको देते हैं, देखते वो कितना खुश होती है, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। स्वीटी सच बता तुम डर गई थी ना बहुत, ये लो रुको, पहले बोलो आइंदा से अभी फिर से वहां साइकिल लगाई हो तुम लोग, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, खुश। अब सच बता बहुत डर गई थी ना, साइकिल गया अगर चोरी हो जाता सच में तो पापा मारते बहुत। ठीक है दीदी को भी खिलाना चॉकलेट, अब मेरा एक काम कर दोगी, बैठ जा दोगी, नहीं जा दोगी, लाओ चॉकलेट, चॉकलेट लाओ। चॉकलेट्स देख के वो कितना खुश हो गई। अभी मैं जा रहा हूँ टेलर के पास, वैसे ये टेलर लोग अपने टाइम से के लिए ही बदनाम है, जो टाइम में बोलते हैं सामान देना वो कभी नहीं देते हैं। काफ़ी दिन हो गए मेरे पैंट्स वहाँ रखे हुए हैं, मैंने फॉर्मल पैंट्स को सिलवाया था तो उसको ठीक करने दिया था, वो अभी तक किए नहीं है, तो आज जाके मुझे वो लेके आना है। सही मैं पैंट दीजिए, मेरा ही काम हो रहा है ना, इतने दिन से मुझे दौड़ाए हैं ये, आज फाइनली मैं उसको दिया हूँ खाने भर का तो मेरा काम हो रहा है। फाइनली एक महीने के बाद मुझे मेरा कपड़ा मिल गया, इतने दिन से उन्होंने मुझे लटका के रखा था तो आज उसके पास बैठा रहा तो मिल गया। संडे मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे ये कपड़े मिल जाए लेकिन आज ज़्यादा टाइम था मेरे पास तो वहीं आधा घंटा बैठा और मिल गया मुझे कपड़ा। 3 बजने को आया बट मुझे भूख अभी नहीं लग रही है क्योंकि आज का नाश्ता मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, अभी तक मम्मी को मैंने बताया नहीं है कि मुझे आज खाना कहीं बाहर जाके खाना है, तो उनको बोलूँगा तो वो अलग से सुनाएगी मेरे को, बट अब रेडी होते हैं। मैं जाऊंगा अभी एक रेस्टो अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए, बेसिकली वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, जब मैं सिलीगुड़ी जाता हूँ तो मिल नहीं पाता हूँ, वो आती है तो मिल नहीं पाती है, तो आज का टाइम मिला है तो अभी मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए एंड देखते हैं आगे क्या होता है। आई डोंट थिंक कि मैं वहाँ कुछ ब्लॉग करूँगा पर देखते हैं। गजब का टोपीबाज मौसम है, कभी धूप होता है कभी बहुत तेज बारिश होती है, अभी बारिश हो रही थी अभी धूप हो गया, ये देखो मेरे रेलिंग में बूंदे होंगी, अभी तो धूप इतना ज़्यादा हो गया। वैसे तैयार हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होने वाला है मेरे लिए, ऐसे मैं इन पर्सन बहुत साई बन रहा हूँ, आप ब्लॉग में इतने अच्छे से बात कर लेता हूँ लेकिन सामने सामने मुझे बहुत शर्म आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं निकलता हूँ, देखते हैं वहाँ क्या होने वाला है। सी इज़ दीक्षा एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड थैंक यू सो मच, हम लोग फाइनली मिल रहे हैं। ओके टेल मी मेरे ब्लॉग का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगता है? आपके ब्लॉग का
when you dance, it's very good to see when you dance. And I don't dance. No, but sometimes you do, like. And the next is he is really raw. He's like what he is genuinely. वही वो vlog में भी है और जो vlog में वही है वो real life में भी है. So it's good to see him. We are having light snacks. ये कुछ खा ही नहीं रही है बिकॉज मैंने बहुत कुछ खा लिया. इसे शर्म आ रहा है. नो, आई गॉट अ चॉकलेट एंड इवन आई गॉट अ चॉकलेट. थैंक यू फॉर दिस. वो मत देगा तुम्हारा बड़ा है. अगर वो 1 रुपए का क्लैश भी होता तो आई वुड हैव ईटन इट. ओके, वेरी हैप्पी. फर्स्ट कंप्लीट दिस देन वी विल टॉक. फाइनली हमारा लंच कंप्लीट हो गया. अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर. थैंक यू सो मच. ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग चॉकलेट. सो अब मैं जा रहा हूँ घर. ऑल राइट, सो रीच होम एंड आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. इफ यू नीड इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना. मिलते हैं जल्दी अपने अगले ब्लॉग में. तब तक आप अपना ध्यान रखें. जय हिंद. Thank you.